प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र से ही रामचरित निषाद जी है, सांसद भी हैं, मछली शहर से हैं, और कहा यह जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी जिताने में और उनके संसदीय क्षेत्र में तमाम जो विधानसभा सीटें आई हैं उनको उनके हक में लाने में एक बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है। उनसे जरूर आप एक सवाल पूछें कि किस तरह से लेंगे वो इन नतीजों को, क्या वाकई इसका अंदाजा उनके उनको था या ये अप्रत्याशित है उनके लिए? देखिए, ये मैं कहूँगा कि जिस तरह से सपा बसपा या कांग्रेस के लोगों ने प्रधानमंत्री को ये कहा कि 3 दिन से प्रधानमंत्री बनारस में हैं, लेकिन एक सांसद के रूप में प्रधानमंत्री जी अपनी लोकसभा में 3 दिन अपनी सभी सीटों को और पूरे प्रदेश को एक मैसेज देना था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री 2-2.5 सालों में विदेशों में गए, उस समय हिंदुस्तान का मान सम्मान उन्होंने बढ़ा के आए और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश जिस तरह से जाति और धर्म और मजहब में पीछे हो रहा था, इसको पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय मोदी जी के साथ विश्वास किया और योजनाएं जिस तरह से गांव तक लाने का प्रयास उन्होंने किए हैं, और अब उत्तर प्रदेश में जब तक तो बीजेपी या मेठी में केंद्र की तमाम योजनाएं जी बिल्कुल जी